भोजन कार्यकर्ता यूनियन एमडीएम ने मांगों को लेकर माननीय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को तहसीलदार बाली चौकी के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि मिड डे मील यूनियन पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इस कोविड-19 संक्रमण के दौर में दोपहर भोजन कार्यकर्ताओं ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। कई आइसोलेशन सेंटर में खाना बनाने का काम किया है और कई अन्य तरीकों से भी संक्रमित व्यक्तियों की मदद की है, परंतु इस पूरी मदद के लिए एमडीएम वर्कर को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही 31 अक्टूबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि एमडीएम वर्कर को 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, परंतु सरकार ने अभी तक उस फैसले को लागू नहीं किया है। इसलिए एमडीएम वर्कर यूनियन ये मांग करती है कि एमडीएम वर्कर को 8,250 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करे, बच्चों की शर्त को हटाया जाए और हर स्कूल में 2 एमडीएम वर्कर भर्ती की जाए, मिड डे मील वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर के रूप में मिड डे मील को नियुक्ति दो। कोरोना महामारी के दौरान एमडीएम वर्कर को प्रति माह 7,500 रुपए दिए जाए। प्रतिनिधि मंडल में सीटू जिला सचिव गुरदास वर्मा सहित बाली चौकी एमडीएम क्षेत्रीय कमेटी अध्यक्ष शकुंतला कमला देवी, सीता देवी, भीषम ब नौजवान सभा जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा उपस्थित रहे। गुरदास वर्मा जिला सचिव और मिड डे मील वर्कर यूनियन जिला मंडी का प्रभारी है। आज जो हमारा ये जो प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर, जो मिड डे मील की अच्छी भर्ती स्तर की जो हॉल है, जो फेडरेशन है, उसके तहत जो है आज हमने बाली चौकी के अंदर जो बैठक आयोजन भी किया और अभी मांग पत्र जो हमने माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से हिमाचल सरकार और निदेशक शिक्षा के लिए भेजा है। इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी मांग है कि पिछले 16 साल से मिड डे मील वर्करों का जो है शोषण किया जा रहा है, उन्हें जो है कुल 50 रुपये दिहाड़ी के अंदर काम करना पड़ रहा है और वो भी 12 महीने के बजाय 10 महीने का बाद वेतन जो है दिया जाता है। इसके अलावा जो पिछले साल जो है माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था कि मिड डे मील वर्करों को भी 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन दिया जाना है, लेकिन उसको भी हिमाचल सरकार जो है लागू नहीं कर रही है अभी। और जो एमपीएस जो स्कूलों के अंदर जलवा के पद भरे जाते थे उसको सरकार ने निरस्त करके मल्टीटास्क सर्विसेज के लिए, बहुउद्देशीय कार्य के लिए जो है कुछ नियुक्तियां करनी है स्कूलों के अंदर। तो हमारी उसके अंदर ये मांग है कि जो 16 साल से स्कूल के अंदर जो काम कर रहा है हमारा मिड डे मील वर्कर काम कर रहा है, तो उन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए, उन लोगों के लिए भी इसमें अंक दिए जाए। तो ये हमारा जो आज की जो धरना प्रदर्शन हमारा अखिल भारतीय स्तर पर भी है और जो आज हमने बाली चौकी में किया, नहीं तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन को और तेज करेंगे। महेंद्र राणा ने कहा कि नौजवान सभा मिड डे मील वर्कर की इन मांगों का समर्थन करती है और आने वाले समय में एमडीएम वर्कर्स की जो भी लड़ाई होगी, नौजवान सभा उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेगी। जिला अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी मंडी आज दोपहर भोजन यूनियन यानी कि एमडीएम के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है और नौजवान सभा उन मांगों की पूरे तौर पर समर्थन करती है। और हमें मांग करते हैं कि जो मिड डे मील अपना संघर्ष कर रहे हैं अपने वेतन को लेकर, कुछ अन्य मांगों को लेकर, हम उसका समर्थन करते हैं और हम नौजवान सभा की तरफ से एमडीएम यूनियन को ये भरोसा देते हैं कि जब भी आपका संघर्ष होगा उस संघर्ष में नौजवान सभा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, क्योंकि जो एमडीएम वर्कर है पूरे प्रदेश के अंदर वो सबसे गरीब घर का है और लगातार सेवाएं जो अपनी स्कूलों के अंदर दे रहा है, यहाँ तक कि जो कोविड-19 के दौर में भी कई जगह प्रभावितों को मदद करने के लिए, खाना बनाने के लिए, उनको ठहराने के लिए पूरी व्यवस्था एमडीएम के लोगों ने की है। इसलिए हमारी मांग है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए और उनकी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए।